ये इसकी निशानी है और ये जो है इंडिया का सबसे ज्यादा जहरीला सांप है। अगर ये काट ले तो इंसान का बच पाना और भी ज्यादा मुश्किल है, कोबरा काट ले। हाय फ्रेंड्स, काफी दुख हो रही है मुझे ये वीडियो बनाते हुए, क्योंकि हमारे क्रेजी एक्स वाई जेड यानी कि अमित भाई, आप सब उन्हें जानते होंगे, पहचानते होंगे। तो गाइस, बहुत बड़ी दुखद समाचार है कि उनको स्नेक ने डस लिया है, यानी कि किंग कोबरा स्नेक डस लिया। गाइस, ये इतना खतरनाक सांप है, इतना डेंजरस है कि ये सीधा ब्रेन पर अटैक करता है, ठीक है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रिएटर है हमारे, यूट्यूब हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बड़े यूट्यूबर को यानी क्रिएटर को किसी सांप ने डस लिया है। चूँकि ये एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाते हैं और हम लोग भी जितने क्रिएटर हैं उनसे रिलेटेड हैं, ठीक है, तो गाइस हम लोग भी एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाते हैं, हालांकि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो हम लोग भी उनसे कुछ नॉलेज लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी उनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर होंगे, तो मैं आपको ये बता दूं, और मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है और काफ़ी क्रिएटरों को ये बनाना चाहिए, क्योंकि उनसे सभी लोग रिलेटेड हैं जो जो ये क्रिएटर और कंटेंट इस तरह के देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उनको स्नेक ने डस लिया है, किंग कोबरा, ठीक है। पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं बता दूं। गाइस, सोचा नहीं था ऐसी वीडियो बनानी पड़ेगी। क्या बोले यार, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। यार हमने किसी का क्या बिगाड़ा था यार, ना हमने किसी का कुछ किया। और अमित भाई, आपको पता है यार, उन्होंने आज तक किसी छोटे से छोटे जीव को भी कभी परेशान नहीं किया ना, हमेशा मतलब एक अपना काम, लोगों की हेल्प करना। क्या बताऊं गाइस, जस्ट आपको जाके भी कुछ नहीं कर। गाइस, जस्ट आपको इन्फॉर्म करना है भाई, जितनी भी आप दुआ कर सकते हो भगवान से उतनी दुआ करो यार। अमित भाई को अभी कुछ टाइम पहले हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उनको स्नेक बाइट हुआ है और भाई खून देख के मतलब हमारी हालत तो बिल्कुल खराब हो चुकी है यार। इतने सांप बचाए यार हमने, इतने रेस्क्यू किए और पता नहीं था कि कभी हमारे साथ ऐसा होगा। अभी वो हॉस्पिटल में है, बाकी लोग उनके साथ हैं और हम लोग जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं भाई, आप जितनी दुआ कर सकते हो, जितनी दुआ कर सकते हो उतनी दुआ करो, दुआ करो कि वो जल्द से ठीक हो जाए, जल्द से यार वापस से आए। ऐसी वीडियो बनाने का हमने कभी सोचा नहीं था, मतलब क्या बताऊं यार, हमसे बोला नहीं जा रहा, क्या बात करें आपसे। बस आप तो यार जितना हो सके उतनी दुआ करो, वो जल्द अपने साथ आए ठीक होके। और भाई हम तो कर ही रहे हैं प्रेयर, आप भी करो यार जितना हो सके भाई। समझ नहीं आ रहा यार अपना क्या हो गया यार। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये वीडियो देखा किस तरह अमित भाई का जो सीरियस तबीयत है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और अभी वो एडमिट हैं, उनके टीम जैसे कि बता रही थी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है। तो गाइस, उनके अभी इलाज चल रही है। तो आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग दुआ कीजिए, क्योंकि उनके पास तो पैसा है ही है, वो लोग रेस्क्यू करा लेंगे और इलाज करवा कर वो ठीक हो ही जाएंगे। लेकिन गाइस, जितनी ज़्यादा आप लोग दुआ करेंगे, जितना ज़्यादा आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, वो जल्दी से जल्दी ठीक होंगे, ठीक है। गाइस, ये मैं मानता हूँ कि गॉड से जो भी प्रे की जाती है, दिल से, सच्चे दिल से वो पूरी होती है। तो मैं चाहूँगा, हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि क्रेजी एक्स वाई जेड यानी हमारे अमित भाई को जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाए, ठीक हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी वे लोग एक्सपेरिमेंट या कंटेंट वीडियो डालें, जितने भी बनाएँ, इतना बड़े बड़े वो लोग रेस्क्यू टीम भी किए हैं, रेस्क्यू किया हर एक चीज़ का, लेकिन कभी ऐसा कोई घटना नहीं हुआ था। लेकिन अचानक से एक बार में जब किसी स्नेक ने उनको डस लिया, एक बड़े क्रिएटर को, गाइस तो बहुत ये मैंने स्थिति हिला देने वाली है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मुझे ये वीडियो आप सभी को बताने के लिए और शेयर करने के लिए बनाना पड़ा, ठीक है। गाइस, उनके फॉलोअर्स तो बहुत हैं, 2.5 करोड़ उनको लोग फॉलो करते हैं। तो मैंने भी सोचा था मैं भी एक बार जाऊँ मिस्टर इंडियन है और के जी एक्स वाई जेड यानी कि अमित भाई से मिल लें, लेकिन गाइस समय के अभाव के कारण हम नहीं जा पाए। लेकिन आप लोगों को प्यार और सपोर्ट से हम जरूर जाएंगे उनके पास मिलने, ठीक है। तो गाइस, ये मैटर नहीं करता कि हम उनसे मिले या नहीं मिले, बस हमारे बड़े क्रिएटर हैं, बड़े कंटेंट देते हैं और अच्छे से बताते हैं, समझाते हैं, और हम लोगों को भी कुछ ना कुछ सीख मिलती है। तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा और हम इस वीडियो को बनाए, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना कीजिए, दुआएँ दीजिए, ठीक है।
तो गाइस आप सब कमेंट में आप सब जरूर बताएं कि कौन कौन चाहता है कि क्रेजी एक्स वाई जेड यानी कि हमारे अमित भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, क्योंकि अभी जो है हॉस्पिटल में एडमिट है और इलाज चल रहा है, लेकिन उनको थोड़ा सा समय लगेगा ठीक होने के लिए, लेकिन आप सबके दुआएं और प्रार्थना से वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी प्रार्थना करेंगे, दुआएं देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सब कमेंट कीजिए और उनको दुआएं दीजिए, प्रार्थना कीजिए, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।